आज के बाद से आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप एक इन्वेस्टर हो। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आप में जितना टाइम और एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्ट किया है उसका आपको 1000 times रिटर्न लेना है। आज तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसका, जो भी खर्च हुआ है आप पर, उसका आपको 1000 times रिटर्न लेना है और 1000 times ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी में। तो अगर इस दिमाग से, इसको दिमाग में लेकर चलोगे तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। आपको इन्वेस्टर बनना है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं। आपको अपनी पढ़ाई से 1000 times रिटर्न लेना है और 1000 times रिटर्न इस सोसाइटी को देना है, और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी तैयारी सीरियसली करें। दूसरी चीज़ याद रखिए कि आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, आज से आप एक प्रोफेशनल हैं। जैसे एक सोल्जर होता है, दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, कोई भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो, ईद हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो शायद ईद के दिन, दिवाली के दिन आप ड्यूटी पे होगे, नाइट ड्यूटी पे होगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी आपको करना है, डॉक्टर बनने के बाद भी करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज से ही हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू करें, डॉक्टरी की प्रोफेशनल प्रैक्टिस आज से ही शुरू कीजिए। कैसे? बी ए प्रोफेशनल स्टूडेंट इन्वेस्टर, PSI। आगे से कभी भी अगर आपको आके बोलता है चलो फिल्म देखते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो किसी मेले में चलते हैं, चलो ये गेम खेल के आते हैं, आप रिप्लाई करना कि इस वक्त मैं PSI मोड में हूँ। PSI मतलब प्रोफेशनल स्टूडेंट इन्वेस्टर। मुझे एक प्रोफेशनल की तरह पढ़ना है और एक इन्वेस्टर की तरह रिटर्न लेना है। यही आपका मूल मंत्र है नीट क्वालिफाई करने के लिए। याद रखिए, योर डेस्टिनेशन इज योर मोटिवेशन। नीट एग्जाम आपका मोटिवेशन नहीं है, डॉक्टर बनना ये सपना आपका मोटिवेशन है। और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सही मेंटर्स से हेल्प लेना पड़ेगा। और अगर आप सही मेंटर्स की खोज में हैं तो आइए बायोटेक्निका पर, इंडिया की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नीट एग्जाम, जहां हम आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाते हैं, काबिल डॉक्टर बनाते हैं। ऑल द बेस्ट।